हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, थ्री कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। देखो आपको क्या कह रहा है, आपने क्या किया, तीन कॉइन्स लिए, उनको एक साथ टॉस किया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हम टॉस करते गए, 30 टाइम्स हमने उनको टॉस किया। ठीक है, हमको क्या कर रखा है, जो ये डेटा गिवन है, ये हमको इसका गिवन है कि उन 30 टाइम्स में से उन तीनों कॉइन्स पे हेड कितनी बार आया, उसका डेटा मुझे ये गिवन है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, यहाँ पर मुझे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनानी है। तो जो मैं अपनी टेबल बनाऊंगी वो इस फॉर्म में बनाऊंगी, इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो लिख दिया 0, 1, 2, 3। या तो एक भी बार हेड नहीं आया होगा तो इसका मतलब जीरो, या फिर एक बार हेड आया होगा उन तीनों कॉइन्स में से, या फिर दो बार आया होगा, या फिर तीन बार आया होगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप्ड नहीं बनानी थी तो हमने ये क्लास इंटरवल वाली नहीं बनाएंगे। तो चलिए टेलीमार्क की हेल्प से हम इसको फिल करते हैं। तीन कॉलम है, नंबर ऑफ हेड्स ये लिख दिए मैंने, टेलीमार्क अभी हम बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपने नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जीरो है, बस आपको टेलीमार्क बनाने हैं, 0, 1, फिर 1 यहाँ पर, देन 2, 2, 1, 2। ठीक है ना, देन 1, फिर यहाँ पर एक बार एक लाइन आ जाएगी, देन 2, तो 2 पे आएगी, 3, तो 3 के आगे लिखेंगे, 1, तो 1 के आगे लिखेंगे, 3, तो 3 के आगे लिखेंगे, 0, 0 के आगे, 1, 1 के आगे, 3, तो 3 के आगे, 1। अब देखो यहाँ 4 हो गया, तो 5 पे कट करते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पर एक बार और 1 है, अब दो बार 2 है, तो आगे दो लाइंस लेंगे, एक तो ये वाली और एक 5 पे कट कर देंगे, देन 0, तो 0 के आगे, देन 1, फिर 1 के आगे, देन 2, 2 के आगे, 1, तो 1 के आगे, 3, तो 3 के आगे, देन 0, 0, दो बार है, तो एक बार और दूसरी बार कट करेंगे क्योंकि ये 5 हो गई हम, देन 1, 1, तो एक बार और सेकेंड टाइम में कट करेंगे 5 वाली। ठीक है, देन 2, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के आगे, देन 3 कट करेंगे क्योंकि 4 लाइन्स हो चुकी है, 2, 2, तो 1, 2, दो बार लिख दिया है मैंने। ठीक है, देन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0। बस अब नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, इन लाइन्स को काउंट कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कट वाली 6, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 कट वाली 6, 7, 8, 9 और 10 कट वाली, 1, 2, 3, 4, 5 कट वाली 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 और कट वाली कौन सी है 5। ठीक है, अब जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा 30 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें 30 टाइम्स का ही डाटा दे रखा है, हमने वो कॉइन्स को 30 टाइम टॉस किया था तो उसका डाटा हमको ये गिवन था, तो मैंने यहाँ पर टोटल किया तो मेरा 30 आ रहा है। बस हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, तो ये हमने टेलीमार्क की हेल्प से बहुत आसानी से अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। तो ये था आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।